जो महिला मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर भगवान के बाद अगर कोई जीवन दाता है तो वो केवल महिला जीवन दाता के रूप में इस पृथ्वी पर मौजूद है। और जो नारा मैंने यहां से सुना है कि एक एक महिला ने इस सभा में उपस्थित होकर एक नारा भी निकला था, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। केवल चिंगारी नहीं, मैं तो मानता हूं कि महिला ज्वालामुखी है, जो घर में पूरा वातावरण तैनात करती है। आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता जो घर घर में जाकर, चाहे कुपोषण का विषय हो, कोई भी समाज सेवा का विषय हो, पूरे दिल से मेहनत मशक्कत करके आगे चलती है। आज उन सभी महिलाओं को मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित नहीं करना चाहता हूं, मैं तो सलाम करना चाहता हूं मेरी महिलाओं को। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का संकल्प भी हमने विपक्ष में रहकर हमने किया था। आज जब हम सरकार में बैठे हुए हैं तो आप सब लोगों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो एक एक मुद्दा हमने संकल्प पत्र में लिखा है, उस एक एक मुद्दे पर खड़े उतर कर हम लोग निकलेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। 8 मार्च को आने वाले समय में महिला दिवस है। उस 8 मार्च के दिवस पर महिलाओं के लिए एक सम्मान का शिविर भी हम लोग यहां आयोजित करेंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं क्योंकि मेरे हृदय की गहराइयों में ये मंशा है कि अगर भारत को एक विकासशील प्रगतिशील देश में हम परिवर्तित करना चाहते हैं तो वो 50% आबादी से नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को हम आगे न लाएं। और जिस देश में महिला प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, जिस देश में महिला दोनों पार्टियों की विपक्ष की नेत्री बन सकती है, जिस देश में एक एक महिला आगे बढ़ सकती है, तो जो वर्तमान का वातावरण है मैं इसके विपरीत कार्य करता हूं कि जहां महिला सरपंच बनती है, जहां महिला पार्षद बनती है, वहां सरपंच पति और पार्षद पति के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मेरी महिलाएं सक्षम है, अगर देश चला सकती हैं, प्रदेश चला सकती हैं, तो गांव चला सकती हैं और नगर पालिका का वार्ड भी चला सकती हैं। तो आज मैं आपको उत्साहवर्धन करने आया हूं कि आप आगे बढ़ो, आप घर संभाल सकती हो, राजनीतिक कार्य सामाजिक कार्य संभाल सकती हो, और आपके सैनिक के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ खड़ा है। मैंने ये प्रदर्शनी देखी है जहां एक एक महिला मिलकर कार्य करती है, अगरबत्ती का उत्पादन होता है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट यहां शुरू हो, सैनिटरी नैपकिन का प्रोजेक्ट शुरू हो। मैंने करेक्सा से भी कहा है, स्व सहायता समूह के द्वारा ये कार्य शुरू होना चाहिए ताकि ऐसे नई सोच विचारधाराओं के आधार पर महिलाओं की आमदनी भी बढ़ पाए। पिछले बार जब मैं आया था, इतना सुंदर जैकेट बनाकर महिला ने मुझे पहनाया था,
इतने सुंदर सुंदर उत्पादन के प्रदर्शन हमने देखे। मध्य प्रदेश में क्षमता की कोई कमी नहीं है, आपको अवसर नहीं दिया गया है। और कांग्रेस की सरकार जो मध्य प्रदेश में बैठी है, हमारा दायित्व तो बनता है कि वो अवसरों का भंडार हम आपके लिए लेके आए और वो हम लेके आएंगे आपके लिए, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। महिलाओं को पूजा जाता है हमारे धर्म में, लेकिन आज जो वातावरण पूरे देश में है, एक असहिष्णुता का वातावरण पूरे देश में तैनात हो चुका है। ये शांति का देश रहा है, ये धर्मनिरपेक्षता का देश रहा है, उदार विचारधारा का देश रहा है, और इस देश में सदैव महिलाओं का सम्मान किया गया है। हमारे धर्म और शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वही देवता विराजते हैं। तो ऐसे नारी सम्मान का प्रदेश, ऐसे नारी सम्मान का देश, महिला सशक्तिकरण का देश, यही कल्पना है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मध्य प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और सारे भारतवर्ष के लिए। और इसलिए जब कांग्रेस की सरकार स्थापित होगी दिल्ली की सरकार में, जो महिला आरक्षण का विधेयक है, राहुल गांधी ने निर्णय लिया है कि हर विधानसभा में और लोकसभा में 33% आरक्षण का, महिला आरक्षण का विधेयक पहले सत्र में हम महिलाओं के लिए पारित करके हम लोग रखेंगे। और शायद उसकी फलीभूत में, शायद इस चुनाव में तो आपके सामने प्रत्याशी के रूप में मैं खड़ा रहा हूं, शायद अगले चुनाव में जब ये पारित हो जाए तो शायद मुझे भी सांसद पति के रूप में आपके सामने आना पड़े। पर सांसद पति के रूप में मुझे मत आने देना अपने सामने, मैं तो वो नहीं करूंगा। कई तरीके से वो मेरी धर्मपत्नी मुझसे आगे भी काबिल है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब वो 33% महिला आरक्षण का बिल पारित होगा संसद में, इस देश में 160 से 170 ऐसी महिलाएं सांसद आगे आएंगी जो इस देश की यश और कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम अवश्य करेंगी। मेरी सोच विचारधारा आपके साथ जुड़ी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके उत्साहवर्धन के लिए, आपके सम्मान के लिए। अगर कोई भी कमी अगर रहे तो आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुकारना, आपके साथ मुझे आप सदैव खड़े पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।